गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच चैप्टर फर्स्ट इन कंप्यूटर बुक. ओके, टेक आउट पेज नंबर 5. चैप्टर फर्स्ट है वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, उसके सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, आज उसके बारे में हम जानेंगे. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन. इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर. अ कंप्यूटर एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन, स्टोर्स एंड प्रोसेस इट, दैन इट डिस्प्लेज द रिजल्ट. एक्सेप्टिंग इंफॉर्मेशन इज नॉन एज इनपुट. वर्किंग ऑन द इंफॉर्मेशन इज नॉन एज प्रोसेसिंग. द रिजल्ट डिस्प्ले इज नॉन एज आउटपुट. कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है. ये मैनी कंपोनेंट्स से बनी है और जो वर्क करते हैं इस कंप्यूटर में. ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, एक्सेप्ट करके स्टोर करती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट मतलब डिस्प्ले पे रिजल्ट को शो करती है, दिखाती है. इंफॉर्मेशन को जो एक्सेप्ट करती है वो इनपुट डिवाइस कहलाता है और जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस करती है वो प्रोसेस डिवाइस कहलाता है और डिस्प्ले पे जो रिजल्ट दिखाता है हमें वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है. नेक्स्ट पैराग्राफ है कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. जो कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं. अ कंप्यूटर कैरीज आउट द फंक्शन ऑफ इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट विद इट्स वेरियस कंपोनेंट्स. कंप्यूटर के फंक्शन है इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइस. ये कंप्यूटर के कंपोनेंट्स फंक्शन हैं. नेक्स्ट फेज है 6. जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट्स हैं इसके कंप्यूटर के. जो भी हम इंफॉर्मेशन डालते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाता है. अंदर वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करती है तो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है. स्टोरेज डिवाइस जो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को. और डिस्प्ले पर जो इंफॉर्मेशन शो करता है वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है. नेक्स्ट है इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे. इनपुट डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइस आती हैं. इनपुट डिवाइसेस हेल्प यू गिव इंस्ट्रक्शंस और फीड डेटा इनटू अ कंप्यूटर. इनपुट ऑफ डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, साउंड्स, इमेज, वीडियो एक्सेट्रा. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन एंड स्कैनर. लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस. इनपुट जो डिवाइस है वो हेल्प करता है इंस्ट्रक्शन को लेने में, उसको फीड करता है डेटा को कंप्यूटर के अंदर. ये टेक्स्ट, नंबर, साउंड, इमेज, वीडियो एक्सेट्रा ये सब ले सकता है. और इनपुट डिवाइस में क्या क्या आते हैं. कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर. ये कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस में आते हैं. ये सब इनपुट डिवाइस कहलाते हैं. जो इनपुट डिवाइस में आते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट है कीबोर्ड. कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस. ये इनपुट डिवाइस है दैट गिव्स इंस्ट्रक्शंस ऑफ टू द कंप्यूटर. ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है. देयर आर मैनी कीज. इसमें मैनी कीज होते हैं ऑन द कीबोर्ड. कीबोर्ड पे मैनी कीज होती है टू एंटर अल्फ़ाबेट, नंबर्स, सिंबल्स एक्सेट्रा. इन एडिशन टू दीज देयर आर स्पेशल कीज. ये स्पेशल कीज होती है जो एडिशन करने के लिए होती है दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. नेक्स्ट है माउस. माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट डज नॉट रिक्वायर टाइपिंग टू इनपुट डेटा. यू हैव टू सिंपली पॉइंट एंड क्लिक टू इनपुट डेटा. यू कैन परफॉर्म अ सिंगल क्लिक और डबल क्लिक एक्शन टू सेलेक्ट आइटम्स. माउस है वो पॉइंटिंग डिवाइस है. जब टाइपिंग की रिक्वायर नहीं होती है इनपुट में तो ये माउस यूज में लिया जाता है. यू हैव टू सिंपली पॉइंट क्लिक टू इनपुट डेटा. आप डेटा को क्लिक कर सकते हैं. यू कैन परफॉर्म सिंगल क्लिक और डबल क्लिक एक्शन. इसमें आइटम्स होते हैं कि आप सिंगल क्लिक कर सकते हैं डबल क्लिक करके. यू कैन मूव
थॉट द पेज यूजिंग द स्क्रॉलर बटन। आप पेज को मूव करने के लिए स्क्रॉलर बटन का यूज करते हैं। माउस में जो बीच में बॉल की तरह होता है वो स्क्रॉलर बटन होता है, जिससे पेज को हम अप डाउन कर सकते हैं। अदर एग्जांपल्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस आर जॉयस्टिक, टच पैड एंड ट्रैक बॉल। ये सब भी पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक जैसे आपको बताया मैंने, टच पैड और ये ट्रैक बॉल। नेक्स्ट पेज हैं 7, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इज अ टाइप ऑफ स्क्रीन दैट इज सेंसिटिव टू द ह्यूमन टच। टू टेल अ डिवाइस वॉट टू डू यू हैव टू डायरेक्टली टच इट विथ योर फिंगर्स। आप फिंगर्स से टच करके डायरेक्टली कर सकते हैं। एटीएम मशीन, जैसे एटीएम मशीन भी टच होती है, स्मार्टफोन काइंडली एक्सेट्रा, कई ऐसी चीज़ें हैं जो टच स्क्रीन वाली होती है जिसे हम टच करके कर सकते हैं। आर एग्जाम्पल ऑफ टच स्क्रीन डिवाइस। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। अ माइक्रोफोन अलाउज यू टू इनपुट और रिकॉर्ड डेटा इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, म्यूजिक एंड साउंड। यू कैन रिकॉर्ड कन्वर्सेशंस, कैरी आउट वॉइस चैट और मिक्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यू नीड टू हैव अ साउंड कार्ड इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर टू रिकॉर्ड साउंड फ्रॉम अ माइक्रोफोन। आप माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं वॉइस को, म्यूजिक को, साउंड को, और उसको कन्वर्सेशन के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं आप। ये साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ में लिया है माइक्रोफोन। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर स्कैन्स एन इमेज और टेक्स्ट इनटू डिजिटल इमेज। स्कैनर जो है वो स्कैन करता है इमेज को, और जो टेक्स्ट में लिखे होते हैं उनको डिजिटल इमेज को भी स्कैन कर सकता है। दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर, और इसको कंप्यूटर में स्टोर कर सकता है। द फ्लैट बेड स्कैनर, ये फ्लैट बेड स्कैनर की तरह होता है। देखिए फ्लैट बेड स्कैनर इज द मोस्ट कॉमनली यूज स्कैनर। रिसेंटली स्कैनर्स आर इंटरग्रेटेड इनटू प्रिंटर्स। अब हम पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, कि आउटपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आते हैं। एन आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले रिजल्ट और आउटपुट ऑब्टेंड आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा। आउटपुट डिवाइसेस कन्वर्ट द प्रोसेस्ड डेटा इनटू रीडेबल फॉर्म। सम ऑफ द कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन्स एंड स्पीकर। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, डिस्प्ले पे रिजल्ट को दिखाता है, शो करता है, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जो आउटपुट डिवाइस है वो क्या कौन कौन से हैं, जैसे मॉनिटर। मॉनिटर आपको बताया मैंने कि रिजल्ट मॉनिटर पे दिखाता है, तो वो आउटपुट डिवाइस में आया। प्रिंटर, प्रिंटर से प्रिंट आउट होके आता है, वो बाहर निकल के आता है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन्स, हेडफोन में भी अंदर से आवाज़ आती है, फ़ोन या कुछ भी देख सकते हो उसकी आवाज़ आती है, वो भी आउटपुट डिवाइस हो गया। स्पीकर्स, स्पीकर्स में से भी आवाज़ आती है, वो भी आउटपुट डिवाइस में आता है। सबसे पहले हम मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर। अब मॉनिटर डिस्प्ले आउटपुट बॉड टेक्स्ट एंड पिक्चर्स ऑफ वॉट एवर वी टाइप यूजिंग द कीबोर्ड ऑन द स्क्रीन। द आउटपुट वी सी ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड अ सॉफ्ट कॉपी। जो हमें मॉनिटर पर दिखाता है वो सॉफ्ट कॉपी होते हैं। द मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU की फुल फॉर्म क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, एंड इज सिमिलर टू अ टेलीविजन। मॉनिटर पे क्या होता है, जो रिजल्ट होता है वो मॉनिटर पे दिखाता है। आउटपुट, उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे टेक्स्ट हो गया, पिक्चर, ये सब उस पर हम सब कुछ दिखाता है। जैसे आप टाइप कर रहे हैं, इनपुट डिवाइस से आप टाइप कर रहे हैं, तो वो आउटपुट आपको कहाँ रिजल्ट दिखाएगा, मॉनिटर पे। और मॉनिटर पे जो दिखाता है वो सॉफ्ट कॉपी होती है। नेक्स्ट पेज है 8, प्रिंटर। प्रिंटर ये भी आउटपुट डिवाइस है। द प्रिंटर डिस्प्ले द आउटपुट बॉर टेक्स्ट एंड इमेज ऑन अ पेपर, दिस इज कॉल्ड अ प्रिंट आउट।
जो आउटपुट डिस्प्ले पे जो दिखाता है, आउटपुट दिखाता है, वो प्रिंटर से प्रिंट आउट होता है, उसे हम कहते हैं प्रिंट आउट। अब प्रिंट आउट कैन एदर बी ब्लैक एंड वाइट और कलर। जो प्रिंट आउट होके आता है वो ब्लैक एंड वाइट में भी होता है और कलर्ड में भी होता है। द प्रिंटेड आउटपुट इज कॉल्ड अ हार्ड कॉपी। जो प्रिंट आउट होके आता है, प्रिंटेड होके आता है, उसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। यू कैन कैरी इट वेयर एवर यू गो। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। प्रिंटर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे आपको बताया मैंने, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। ब्लैक एंड व्हाइट वाले का जो होता है वो अलग होता है, कलरफुल वाले का अलग होता है, इन सबके अलग अलग प्रिंटर होते हैं। थ्री टाइप्स के प्रिंटर आपको बताया मैंने, आपको बता ही दिए हैं, डॉट मैट्रिक्स, इंजेक्ट, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट है स्पीकर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। टू लिसन टू साउंड्स फ्रॉम अ कंप्यूटर यू कैन यूज स्पीकर्स। द स्पीकर्स आर एदर बिल्ट इन इनटू द कंप्यूटर और कनेक्टेड। कनेक्टेड एक्सटर्नली यूजिंग केबल। ये कनेक्ट होता है, बाहर के साइड में कनेक्ट होता है, ये एक्सटर्नली होता है केबल, इसे हम कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर से। ये लिसन साउंड, साउंड को सुनने के लिए आपको स्पीकर, जैसे आपको तेज वॉल्यूम में सुनना है तो आपको स्पीकर की जरूरत होती है। तो आप स्पीकर को आप किससे कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, ये एक्सटर्नली केबल होता है। नेक्स्ट है हेडफोन्स। सिमिलर टू स्पीकर्स हेडफोन्स प्रोवाइड आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड। ये साउंड के लिए ही होता है, बाहर मतलब आप सुन सकते हैं, प्रोवाइड होता है कि ये बाहर आप साउंड सुन सकते हैं, कि मतलब उसकी आवाज़ बाहर आ सके। हेडफोन्स अलाउ यू टू लिसन टू साउंड्स, ये आपको साउंड के लिए अलाउज करता है कि आप साउंड सुन सकें, प्रिवेंटली विदाउट डिस्टर्बिंग आउट अदर्स, ताकि आपको डिस्टर्ब ना कर सके। तो हेडफोन का यूज़ कर सकते हैं कि आकर आपको डिस्टर्बिंग ना हो। आउटपुट डिवाइस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या क्या आते हैं और क्या होते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस स्टोर, एनालाइज एंड कैलकुलेट डेटा। सिंपली स्पीकिंग, दे रिसीव द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डेटा, प्रोसेस इट एंड प्रिपेयर द आउटपुट फॉर द यूज़र। प्रोसेसिंग आपको डिवाइस मैंने बताया है कि अंदर आप कुछ भी डेटा डालते हैं, वो अंदर क्या होता है, प्रोसेस होता है, कैलकुलेट करता है। कुछ भी डाले आप, वो अंदर कैलकुलेट से आपने आपको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना, कुछ भी करना है, कैलकुलेट करना है आपको, तो आप उसके अंदर टाइप करेंगे तो वो अंदर प्रोसेस करेगा, उसको कैलकुलेट करेगा डेटा को, और उसको आपको आउटपुट मतलब स्क्रीन पे, डिस्प्ले पे आपको दिखाएगा। प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या आता है, मदरबोर्ड। द मदरबोर्ड इज अ स्मॉल सर्किट बोर्ड दैट कनेक्टेड ऑल द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जो मदरबोर्ड होता है वो कनेक्टेड होता है इंटरनल, जो अंदर की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनसे कनेक्ट